हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है रियल नंबर्स क्लास 10 फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लिमा, ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है। सो रियल नंबर्स का जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशंस और कुछ पॉइंट्स दिया गया है उनको भी आप देख सकते हैं। सो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन लिमा। हाँ, यूक्लिड्स मैथमेटिशियन, उनका जो डिवीजन लिमा है उनको यहाँ पे किया जा रहा है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर मींस क्या होता है, वो नेचुरल नंबर का बात बोला जा रहा है। पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, वहाँ पे दो इंटीजर्स है क्यू एंड आर। सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक, तो ये डिवीजन लिमा। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ए एक्चुअली में क्या है। ठीक, सो डिवीजन, सो हम लोग सब जानते हैं डिवीजन का कितना पार्ट होता है। सपोज यहाँ पे मैंने ले रहा हूँ 16 और यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 3 15, हम लोग का रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे 1। तो 16 को हम लोग क्या कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 3 15 रिमाइंडर 1। सो जो 16 है, 16 का नाम है डिवाइडेंट, 5 को हम लोग बोलता हूँ डिवाइजर, 3 कोसेंट, अरे 1 को हम लोग क्या बोलता हूँ रिमाइंडर। ठीक, डिवीजन का चार पार्ट होता है, डिवाइडेंट, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा हो, डिवाइजर जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइडेंट, यहाँ पे कोसेंट और जो रिमेनिंग पार्ट है उनको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए 16 इक्वल टू क्या है, 5 इंटू 3 प्लस 1, तब 16 मिल रहा है। तो 16 इक्वल टू 5 इंटू 3 जो भी रिजल्ट हो रहा है वो क्या होता है रिमाइंडर का साथ प्लस हो जाता है, ऐसा करने से हम लोग को डिवाइडेंट मिलता है। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल रहा है ना, 16 मीन्स डिवाइडेंट, डिवाइडेंट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएंगे जो रिलेशन है इन लोगों का, रिलेशन क्या होगा, डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, सो यहाँ पे क्या मिला, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। दैट मीन्स अभी जो डिवाइड किया था डिवाइडेंट 16, डिवाइजर 3 इंटू कोसेंट 5 प्लस 1, 3 इंटू 5 प्लस 1 ये हम लोग का हो रहा है 16। दैट मीन्स रिलेशन क्या है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो डिवाइडेंड है ये हम लोग का ए, डिवाइजर बी इंटू कोसेंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर, यही है रिलेशन। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मीन्स क्या है, वो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ए मीन्स डिवाइडेंड, बी मीन्स डिवाइजर, क्यू मीन्स कोसेंट एंड आर फॉर रिमाइंडर। ठीक, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो रिलेशन है जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इनको हम लोग समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आर मीन्स रिमाइंडर, बी मीन्स डिवाइजर, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, एग्जैक्टली जीरो या जीरो से ग्रेटर है बट रिमाइंडर इज लेस देन बी, ये चीज को हम लोग समझते हूँ कैसे है। सपोज 16 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो 3 5 जा 15 रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब 17 से डिवाइड करिए, सो 3 5 जा 15 रिमाइंडर 2। 18 को डिवाइड करिए 3 से 3 6 18 रिमाइंडर 0। अब 19 को डिवाइड करिए 3 से 3
3, 6, 18, रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, आप डिवाइड कर रहे हैं 1, 2, 0, फिर 1, अगर आप फिर डिवाइड करेंगे 2, 0। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी आप कोई भी नंबर को डिवाइजर, अभी ये रिलेशन में रखता हूँ, 0 <= r <= b, क्या है यहाँ पे 3। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, r का जो वैल्यू है r एग्जैक्टली 0 या 0 से ग्रेटर, तो 0 या 0 से ग्रेटर मतलब मैं लिख सकता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पे बोला है r इज लेस देन 3, सो दैट मीन्स लेस देन 3, 4 ये सब नहीं होंगे, तो हम लोग रिमाइंडर जो है 0, 1, 2। दैट मीन्स अगर डिवाइजर 3 होता है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, 1, 2। अभी सपोज 0 < r < 5, हाँ इसका मतलब क्या, अगर डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो है वो हम लोग का 0 हो सकता है, मतलब 5 जो है एग्जैक्टली किसी को डिवाइड करे, सर 25 को डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 25 को डिवाइड करिए रिमाइंडर 26 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। 27 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2। 28 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3। 29 को 5 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 4। फिर 30 को डिवाइड करिए रिमाइंडर 0। दैट मीन्स अब 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, इसमें से किसी एक होगा, 0, 1, 2, 3, 4 यही होगा। सो इनका मतलब 0 रिमाइंडर इज एग्जैक्टली 0 या 0 से ग्रेटर देन, बट इट इज नॉट, इट इज लेस देन 5, तो 0, 1, 2, 3। सपोज 0 < r < 9, सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, इसमें से कोई एक होगा। ठीक, अभी यहाँ पे 0 < r < b, इसका एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आप कॉन्फ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया जाता है एमसीक्यू में, हाँ यूक्लिड डिविजन लेमा दिस कंडीशन इज 0 > r > b, 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 ऐसा ऑप्शन दे दिया। हाँ तो आपको एमसीक्यू में राइट आंसर कौन होगा, यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। ठीक, तो यूक्लिड डिविजन लेमा क्या है, डिवाइड एन इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इज 0 > 0 बट लेस देन डिवाइजर। सो दिस इज यूक्लिड डिविजन लेमा, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, नाउ यू कैन फाइंड द एसी ऑफ एनी नंबर्स। ठीक, तो एक रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करूँगा, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहा हूँ, देखिए